كيف حالك؟ الحمد لله كيف حالك انت كويس؟ How was your day? Very good. ये है रियाद पार्क और अभी टाइम हो रहा है 9:28. ये है एयरपोर्ट, यहाँ पर आप लोग जहाज के एकदम बगल से निकलते हैं, देखिए आप लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, में हूँ आपका दानिश और आज ये व्लॉग। तो का जो टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आप मेरी आँख देख सकते हैं एकदम लाल हैं। उसकी वजह ये है कि कल रात मेरे घर में पार्टी थी तो ड्राइवर लोग आए थे। अब ड्राइवर लोग आए थे तो उनको मैं अकेला छोड़ के मैं सो तो सकता नहीं था। मैं नहीं सोया रात भर, ऐसे भी मैं नहीं सोता हूँ लेकिन सुबह मैं सोता हूँ अक्सर। भाई साहब अभी सुबह मेरी मैडम ने बोला सगल सही आ रहा, आप बताओ सगल सही आ रहा बोला। उसके बाद उनकी कोई रिश्तेदार वगैरह रही थी तो उनको मैं छोड़ने के लिए आया था। अभी किंग फहद रोड के पास है तखा सूसी स्ट्रीट, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो। तखा सूसी स्ट्रीट में मैं छोड़ने के लिए आया था। दो लोग को एक जगह, एक लोग को छोड़ा, एक लोग को एक जगह छोड़ा। अभी टाइम हो गया 7:30, अभी इस टाइम पे मेरे नींद भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, एक नंबर दो नंबर सब लग रहा है। और अभी घर पहुंचने में लगेगा मुझे 40 मिनट कम से कम, क्योंकि अभी है ऑफिस का टाइम और ट्रैफिक दबा के है। क्योंकि मैं जब जा रहा था तब भी ट्रैफिक था और आने के टाइम पे देखा था तब भी ट्रैफिक था। अब क्या करूँ बताओ, आप लोग बताओ। चलो जो भी करेंगे उससे पहले पूछते हैं आप लोगों से कैसे आप लोग। इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी अच्छा है, आप लोग की दुआएं, आप लोग के प्यार, आप लोग का सपोर्ट है। बस खाली नींद नहीं, भूख, पेट दर्द हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मुझे मालूम है कि इब्राहिम जो है वो अपनी जॉब पर जाने वाला है। उसका आज पहला दिन है शायद, एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ। उसने बोला संडे से जाएंगे तो आज संडे है, आज वो जाएगा। अब किस टाइम पर जाएगा ये नहीं मालूम है लेकिन इंशाल्लाह आज वो जाएगा। जो भी होगा बताएंगे आप लोगों को। पहले चलते हैं फटाक से घर, रास्ते में कुछ मिलेगा तो खा लेंगे। बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है, चलो चलते हैं। ये देखिए, आप लोगों को बोला था ना मैंने कि ट्रैफिक होने वाला है। एक्चुअली क्या है ना, सुबह का टाइम है, इस टाइम पे सभी लोग अपने ऑफिस कॉलेज वगैरह भी खुल गए हैं, मदरसे वगैरह खुल गए हैं, तो इसके से ट्रैफिक। अभी देखिए ये किंग फहद रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक पूरी रोड पर ट्रैफिक है। ऐसा नहीं कि एक लाइन में, दोनों लाइन में, जाने वाले में भी आने वाले में भी। अभी कम से कम 40 मिनट लगने वाला है घर पहुँचते। और दहरी में भी हो सकता ट्रैफिक होगा थोड़ा बहुत।
भैया लोग, मैं भी आया था इब्राहिम को छोड़ने के लिए, तो मैंने उसको भी यहाँ पे छोड़ दिया है एयरपोर्ट में। ये है एयरपोर्ट, तो मैंने टर्मिनल 2 पर छोड़ा है। अभी फिर फोन आ गया घर से, सगल से ही आ रहा, मतलब कोई किसी को बता कर नहीं जाता कौन कहाँ जा रहा है, बस चलो अलतुल। मैडम ने भेजा था तब ये बोलता सगल से ही आ रहा, अब ये आया है तो मैडम बोली सगल से ही आ रहा, मतलब कि अरे एक दूसरे को बता दो तो यार मुझे दिक्कत ना हो। ये है पूरा एयरपोर्ट एरिया, ये है रॉयल टर्मिनल, यहाँ पर प्राइवेट जेट वगैरह रुकते हैं। यार मुझे इन लोग का एक चीज़ में, अबे भाई साहब ये लोग ऐसा नहीं कि मेरे घर की प्रॉब्लम है, ये हर घर की प्रॉब्लम है। ये लोग बताते नहीं कि मैं ड्राइवर के साथ कहाँ जा रहा हूँ, बाद में ड्राइवर को परेशानी होती है, बाद में पूछते कहाँ हो, मैं तो इनके साथ गया था। अब बताओ तुम्हारे लड़के, तुम्हारे सब कुछ, अब मतलब मैं उनको छोड़ के आया, घर पहुँचा ही, मतलब घर पहुँचा भी नहीं था, ये बाहर खड़ा था, अब इसको मैं यहाँ पर लेके आया, फिर मैडम बोली सगल से यार, अब मैं फिर घर जाऊंगा तुरंत फिर वो निकल आएंगी, अब कौन कहाँ जाने वाला कुछ मालूम नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल उदय, क्या बोले यार। ये है एयरपोर्ट रोड के ब्यूटीफुल नज़ारे, इधर तो धूप है, इधर ही देखो, ये देखो प्राइवेट जेट खड़ा है। A few moments later. So guys, ये है रियाद पार्क और अभी टाइम हो रहा है 9:28। अभी मैं यहाँ पर आया था, मेरे कफील की जो मेरी मैडम है उनकी जो बहन है उनकी लड़की को छोड़ने के लिए, जैसे कल पार्टी थी तो सब यहीं पर थे, तो मेरी मैडम ने बोला होएगा कि मत ले जाओ इसको, क्या फ़ायदा अभी फिर आएगी वापस। एक्चुअली जो मेरी मैडम की बहन है अभी 6:30 के आसपास घर वापस गई है, तो अगर 6:30 घर जाएंगी तो 7:30 पहुँचेंगी और फिर वापस आना पड़ेगा यहीं पर, मतलब ये मेरे घर से तो नज़दीक है, उनके घर से दूर होगा, इसकी वजह से उन्होंने बोला होगा यहीं पर छोड़ दो। अब मेरी वाट लग गई इनके चक्कर में। अभी मैं आया था रियाद पार्क में लड़की को छोड़ने के लिए, यहाँ पर जॉब करती है वो, तो मैंने उसको यहाँ पर छोड़ दिया है, अभी मैं फिर जा रहा हूँ घर वापस। अभी देखो 9:30 हो गया, मैं घर से निकला था 6:20 पर, 9:30 हो गया है, पहले उनके मेहमानों को छोड़ने गया, फिर इब्राहिम को छोड़ने गया, अब इसको छोड़ने के लिए आया था। दूसरे ड्यूटी कर रहे हैं, ये होती है ड्राइवर लाइफ। अल्लाह का शुक्र है, मैं देखो मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में इतनी ज़्यादा नहीं दूसरों ड्यूटी, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाती है। और लोगों को देखा है भाई दूसरे की ड्यूटी कंपलसरी करनी ही है तो करनी ही है, बहनों की ड्यूटी हो गई या फिर अम्मा की ड्यूटी होगी, किसी की ड्यूटी करनी ही करनी होती है। अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में कभी कदार 2-4, 5, 6 महीने में एक बार होता है, जल्दी नहीं होता है। मुझे लगता है यहाँ पर काम करती है और दुकान भी वही खोलती है, क्योंकि भाई साहब पूरी पार्किंग खाली है, इतनी सुबह सुबह कौन आता हो कस्टमर, तो शायद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर ही है, दुकान खोलना दुकान बंद करना।
आज इनका पहला दिन था, ये आज पहले दिन होके आ रहे. आई एम सेइंग दिस इज योर फर्स्ट डे. तो अभी लोग जा रहे हैं घर. एक घंटे हो गए. आई डोंट नो एनी वन क्लिक माई पिक्चर और नॉट बिकॉज. सो गाइस, अभी टाइम हो गया है 4:10 और अभी तुम्हारा भाई सुबह के बाद सही तरीके से फ्री नहीं हुआ हूँ. जैसे कि आप लोग जानते हैं, सुबह 6 मैं रूम से निकला था, घर वापस आया 10. मैंने आप लोग बताया था, मैं 10 आया, ना ही फ़ोन छुआ ना चलाया, इतनी तगड़ी नींद आ रही थी, मैं सो गया. उसके बाद फिर इब्राहिम का फ़ोन आया 2:30 के आसपास. फिर 2:30 मैं उसको लेने के लिए गया. अभी 4 है, 1 पहले बुला लिया था. एयरपोर्ट के बाहर मैं खड़ा था. मुझे नहीं मालूम कितने मुखालफे आए हैं, लेकिन अगर किसी ने फ़ोटो खींचा होगा तो मज़ा आ जाएगी यार. एटलीस्ट पहले बताना चाहिए था ना उसको कि थोड़ा देर में आऊँगा. उसने पहले बताया नहीं. अभी फिर जब देर में आया, क्या है एयरपोर्ट के बाहर आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हो, और उसने ला के खड़ा कर दिया, क्या करें. तो अभी मैं आया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए. वैसे जमात तो हो गई है, लेकिन एनी वेज अब नमाज़ पढ़ ही लेते हैं. टाइम है जब नमाज़ का तो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि भाई अपनी अगर नमाज की आदत बनानी है, नमाज की अगर आपको आदत बनानी है, आप चाहे कज़ा पढ़ें, चाहे जमात के बाद पढ़ें, चाहे जब पढ़ें, चाहे मस्जिद में पढ़ें, चाहे घर में पढ़ें, लेकिन नमाज पढ़ें. तो क्या होता ना कि हम लोग को जाने का मन नहीं करता है. ये देखो हमारे भाई आ गए. ये बना से हुए सर ऐसे मुश्किल से हुए सर आशन ना दगी फिर यू शेर 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 विद यू. हां, वो उम्र करने गया था ना. हां, मुझे अभी पता है उसने. तो भाई साहब देखो हमारे सामने आ गए. ज्यादा मिलते ही नहीं है जब से इनकी बुढ़ी आई है. पटी पड़ी है इनकी लगातार. ड्यूटी कुछ ड्यूटी भी लग रही है कुछ. घर से बाहर नहीं निकलते खौफ के मारे. खौफ नहीं है, कॉल कर दे फिर गिरगिर करती है. तो अभी मैंने फोन किया. एक्चुअली मैं आज आई एम सो टायर्ड टुडे. सुबह ड्यूटी लगी थी अभी. अरे फटी पड़ी है मेरी आज. आज भाई साहब 6 रूम से निकला हूँ, 10 वापिस आया हूँ. उसके बाद 10 आया और ना फोन चलाया. मैं फोन चलाता था, मेरी नींद नहीं पूरी होती थी. 10 सोया, फिर 2:30 फोन आ गया. 2:30 गया, 1.5 बाद निकला एयरपोर्ट से. वो 1.25 बाद नहीं, एसी नहीं बंद किया मैंने. एसी नहीं बंद किया, एयरपोर्ट पे खड़ा था. अब जो चाहे आएगा तब आएगा. 1 के ऊपर हो गया मेरा तो. ठीक हो गया. तो चलते हैं, सामने कैमरा आ रहा है वरना चुप के मारेगा. पास सूर्याल का मुखालफ आएगा. सो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 बज रहे हैं. और अभी थोड़ी देर पहले मैं घर मतलब कि ड्यूटी से आया हूँ. आज की ड्यूटी भाई साहब जी फाड़ थी. उसकी वजह ये थी कि मैंने पूरा ब्लॉग नहीं बनाया. उसकी वजह ये थी कि अब मैं पूरा ब्लॉग बनाने जाता ना, 1.5 का ब्लॉग जाता था. इसलिए मैंने कहा जितना हुआ जितना कवर कर सकते हैं शॉर्ट कर करके दिखाया आप लोग को. अभी 12:30 बज गया है. थोड़ी देर पहले आया, थोड़ा वेट किया, आराम किया. अभी भाई अब खाना खाना है, भूख लग रही है. तो खाना कुछ बना था नहीं. तो भाई सबसे आसान खाना यही है कि भुर्जी बना लो या फिर ऑमलेट बना लो, सबसे जल्दी बनता है. और सस्ती पड़ी है. बस एक हम है बनाने का मन नहीं है, और एक ये है इनका खाने का मन नहीं है. जोड़ी है जी, इनका खाने का मन नहीं होता, मेरा बनाने का मन नहीं होता है. इनका खाने का मन नहीं होता ना, इसलिए ये ऐसे है. आप लोग बोलते हैं ऐसे भाई, इनसे बोलो थोड़ा खाए पिए. इनका खाने का मन नहीं होता है. तो फटाफट खाना बनाते हैं. मतलब खाना क्या, भुर्जी बनाते हैं. भुर्जी बनाने जा रहा हूँ. प्याज आज काट लिया है, सारा काट वट के रख लेते हैं. उसके बाद फिर जाते हैं रोटी लेके आते हैं. अबे उस दिन की तरह ऐसा ना हो जाए, रोटी ना मिली तो. उससे हम लोग रोटी ढूंढ रहे, रोटी नहीं मिली. तो ऐसा करते हैं वीडियो को यहाँ प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है आज की.
तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद प्लीज लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, मेरे जिक्र का जुआ पे स्वाद रखिएगा।